अगर अभी तक आपने मिर्च मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को टैप कीजिए रोज एक नई रेसिपी के लिए। तो और मिर्च मसाला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही नई तरह की कचौड़ी की रेसिपी लाए होंगे। दोस्तों आपको YouTube में बहुत सी कचौड़ी की रेसिपी मिलेगी, पर ये एकदम नई तरह की रेसिपी है और शायद ही आपने इसे कभी ट्राई किया हो या खाया हो। तो चलिए झटपट इसके इंग्रेडिएंट्स पर हम ध्यान देते हैं। इसके लिए हमें जो सामग्री लगेगी, वहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े साइज का प्याज जिसे हमने छोटे छोटे काटे हैं, लहसुन की कलियां हमने ली है करीब इस यहाँ पे हमने 15 लहसुन की कलियों को छोटा छोटा काटा है और धनिया पत्ता लिया है जिसे हमने छोटे छोटे चॉप किए हुए हैं। इसके साथ हमने यहाँ पे 4 से 5 आलू को बॉईल करके रखा है। हल्दी पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच, धनिया पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच, साथ में हमने गरम मसाला लिया है 1/2 चम्मच और हमने यहाँ पे लिया है नमक जो कि हम स्वाद अनुसार यूज करेंगे। 4 बड़े चम्मच हमने बेसन लिया है, 2 चम्मच हमने नींबू का रस लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने चीनी लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने सेजवान सॉस लिया है। के लिए हमें लगेगा काला सरसों 1 चम्मच, साथ में जीरा 1/2 चम्मच और हींग। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 3 कप आटा जिसे हम गूंदेंगे। उसमें हम डालेंगे नाइजर सीड यानी मंगरेला, अजवाइन और साथ में हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके साथ हम इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल जो कि हमने डाले हैं 2 बड़े चम्मच और इन सबको हम अच्छे से हाथों से मिला देंगे और मिलाने के बाद पानी की मदद से सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। अजवाइन और मंगरेला यानी नाइजर सीड डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है, इसे सॉफ्ट गूंदना और 1 घंटे हम छोड़ देंगे। दोस्तों 1 घंटे जब तक हम वेट करते हैं तब तक हम फिलिंग की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने रिफाइन ऑयल में डाला है काला सरसों, जीरा और हींग। तेल जब हमारा गर्म हो जाए तब हमने ये छौके की सामग्री डाली है और अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड मैश्ड आलू यानी बॉइल्ड पोटैटोस हमने इसमें डाल दिए हैं और इसे हम करीब 5 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं कम आंच पर। ये जब अच्छे से भुना जाए तो हम इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन डाल देते हैं या कहें 1 कप बेसन डाल देते हैं 1 छोटा कप और इसे भी हम अच्छे से 5 मिनट तक कम आंच पर भून लेते हैं। जब बेसन हमारा अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें डाल देते हैं प्याज और साथ में हरी मिर्च और लहसुन। और इन्हें भी हम कम आंच पर करीब 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भुना चुका है तो हमने इसमें नींबू का रस डाल दिया और साथ में सारे सूखे मसाले हमने इसमें डाल दिया। नमक भी हमने इसी स्टेज पे स्वाद अनुसार डाल दिया और इसे हम 5 मिनट तक और भून लेते हैं कम आंच पर। और ये अब एकदम तैयार हो चुका है, इसमें हम चीनी डाल देते हैं, इससे आपका स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाएगा और इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। और ये जब हमारा मसाला अच्छे से भुना जाए और इससे कच्चेपन का सारे मसाले अच्छे से मिल जाए और सबके कच्चेपन का स्वाद चला जाए तो हम इसमें लास्ट में सेजवान सॉस डाल देते हैं 1 चम्मच और इसे भी मिला देते हैं। और अब हम गैस बंद कर सारे मसाले को एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी छोटी छोटी पेरी यानी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मसालों की इस तरह बना ली है, यही चीज मैंने आटे के साथ भी किया, उसकी भी मैंने लोई बना ली है। और साथ में हमने लिया है थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, हमने हाथ में ग्रीसिंग कर ली है रिफाइन ऑयल की। और अब आप फिलिंग का प्रोसेस देखिए, बीच में लोई भरकर आपको इसे इस तरीके से बंद कर देना है और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे आपको हटा देना है और ये सील कर देना है और इसे गोल करके बीच में प्रेस करके चिपटा बना लेना है। फिलिंग का प्रोसेस एकदम वैसे ही होता है जैसे कि हम स्टफ पराठे बनाते हैं। आप एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए।
आपको हाथों की ग्रीसिंग करके बीच बीच में इसे घुमाते हुए बीच में एक गड्ढा बनाना है जिसमें आप ये मसालों की पेरी रख सके, और उसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए, इसके मुंह को बंद कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे हटा दीजिए। सारे कचौड़ियों को आप इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारी सारी कचौड़ी रेडी है। यहाँ पे हमने तलने के लिए रिफाइन ऑयल लिया और हमने चेक किया है कि रिफाइन ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा मैंने आटे का टुकड़ा डाल के रखा है, जब ये ऊपर आ जाए मतलब आपका रिफाइन तेल का टेम्परेचर एकदम सही है फ्राई करने के लिए कचौड़ियों को। तो ये देखिए अब हम सारी कचौड़ियों को फ्राई करते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो धीरे धीरे सारी कचौड़ियों को हम डाल देते हैं। फ्लेम हम एकदम मीडियम टू लो के बीच में रखेंगे ताकि कचौड़ियाँ कच्ची ना रहे, वो अच्छे से अंदर से पक जाए। और इसे फ्लिप करते हुए कम आंच पर या मीडियम फ्लेम पर आप इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कीजिए। बीच बीच में कम आंच कर दीजिए, फिर मीडियम कर दीजिए ताकि कचौड़ियाँ अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाए। दोस्तों ये बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट नॉर्मल कचौड़ियों से बिल्कुल अलग होता है। फ्लिप करते हुए इसे गोल्डन ब्राउन करिए। ये देखिए दोस्तों हमारी कचौड़ियां बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार से आप सारी कचौड़ियों को तलकर प्लेट में साइड रख दीजिए, एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन कर लीजिए और हमारी नई तरह की रेसिपी, एकदम नई तरह की कचौड़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये रेसिपी जरूर पसंद आया होगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको ये पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो जरूर टैप कीजिए ताकि हम हमेशा इसी तरह कनेक्टेड रहें। धन्यवाद।